हेलो दोस्तों, दिस इज गौतम आर्यन। जब आप यूरोप के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में पेरिस का ख्याल जरूर आता होगा, और जब आप पेरिस के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में एफिल टावर जरूर आता होगा, और जब आप एफिल टावर के बारे में सोचते हैं तो वही लव एंड रोमांस के बारे में आप सोचते होंगे। तो चलिए फिर वही लव एंड रोमांस को थोड़ा सा स्प्रेड करते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं, आपकी सैर कराते हैं पेरिस से। तो वेलकम टू पेरिस, और जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फिर, और अभी हम लोग जा रहे हैं देखने सैक्रेड हार्ट बेसिलिका ऑफ मॉन्टमार्ट्र कैसल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं एंड बार्स हैं, तो आप मजे लेकर खा भी सकते हैं और टिका भी सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, और धीरे धीरे मैं आपको झलक दिखा रहा हूँ। और आप जैसा देख सकते हो कि टूरिस्टों का जो जमावड़ा है ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। Here we go, here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff and you wanna be my friend. तो अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। एक घंटे का प्लान है, हम लोगों ने एक दिन पहले टिकट बुक कर लिया था। तो अभी हम लोग एक घंटा हम लोग बोट पे टाइम स्पेंड करेंगे, देन उसके बाद हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये रहा एफिल टावर, देन उसके बाद हम लोग वहां जाएंगे, देन उसके बाद हम लोग आपको दिखाते हैं एफिल टावर। बोट में जा रहे हैं, तो अभी हम लोग का जो बोट है वो शुरू हो गया है, और ये तकरीबन 1 आवर का बोटिंग है। और जितने भी साइट्स हैं ऑलमोस्ट साइट्स वो नदी किनारे ही एस्टैब्लिश हैं। तो अगर आपके पास समय कम है तो आप ये जितने भी साइट्स हैं उसे आप कवर कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास समय है तो आप डोर टू डोर जाकर भी विजिट कर सकते हैं, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ के जितने भी साइट्स की जो भी हिस्ट्री है वो हर एक बोट पर उनके ट्रांसलेटर होते हैं। तो वो फर्स्ट वो लोकल लैंग्वेज यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में बताएंगे, देन उसके बाद वो इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जेल है, और अभी सारे कैदियों को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया है। भाई अगर ऐसा जेल हो तो मैं भी जाऊं एक बार, भर्ती होने नहीं देखने। तो हम लोग का जो बोटिंग है 1 आवर का वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और अभी ये जो बोट है वो पार्क होगी एंड देन उसके बाद चलेंगे हम लोग एफिल टावर देखने के लिए। सो आप देख रहे होंगे कि एफिल टावर यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो अभी चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं एफिल टावर। तो हम लोग का प्लान हो गया है थोड़ा चेंज, हम लोग यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे एफिल टावर के रात का व्यू रिकॉर्ड करना है। सो दैट अभी रात होने में बहुत अभी समय बाकी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लॉवर म्यूज़ियम, और आपने बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ और मे भी हिंदी मूवीज़ में भी यहाँ के बहुत सारे सीन्स यहाँ देखे होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लॉवर म्यूज़ियम, और वहाँ पर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसी म्यूज़ियम में मोनालिसा की पिक्चर लगी हुई है, और जितने भी मूवीज़ में जो चोरी के सीन्स जो होते हैं मोनालिसा के पिक्चर के जो चोरी के सीन्स होते हैं वो इसी म्यूज़ियम में शूट किए जाते हैं। तो वापस आ गए हैं एफिल टावर के पास, और जैसा मैंने आपसे बोला था कि मुझे रात का व्यू रिकॉर्ड करना है। और अगर आप पेरिस में हैं और आपने एफिल टावर के लाइटिंग का नज़ारा नहीं लिया, तो यकीन मानिए कि फिर आपने कुछ नहीं देखा, क्योंकि इसे देखने के लिए लोग
घंटों घंटों एफिल टावर के सामने जो पार्क है वहां बैठे रहते हैं, और इसी पार्क में हम लोग भी बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग भी ये नजारा मिस नहीं करना चाहते। तो दोस्तों हम लोग का पहला दिन यहाँ समाप्त होता है, कल हम लोग निकलेंगे डिज्नीलैंड के लिए, तो फिर मिलते हैं डिज्नीलैंड में।